मैच खत्म करके आए हैं अब्दुल रजाक का हम रोल्स पे आते हैं। अब सिकंदर ने कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ले ही आए हैं, छेड़ ही दी है बात, हम बात कर लेते हैं उसामा मीर और आमिर जमाल की। ये दो वीक पॉइंट्स थे पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में आज, खासतौर पर उसामा मीर की अगर हम बात करें तो अभी तक वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर नज़र नहीं आता, बड़े परेशान नज़र आते हैं, लाइन और लेंथ पे काबू नहीं रख पाते, कुछ शॉर्ट बॉल्स, कुछ डाउन द लेग बॉल्स, बॉल को लूप भी नहीं दे रहे हैं, फ्लैट बॉल कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा। देखिए दानिश, सीधी बात यह है कि जब आपके पास ऐसी टीम हो, और मैं समझता हूँ बेस्ट टीम पाकिस्तान के पास है T20 की, बस ये कि इनको कैसे यूटिलाइज करना है और इनको कैसे कॉन्फिडेंस देना, इस चीज़ में थोड़ा सा हम लैग कर रहे हैं। और देखा जाए जमान जो है, अगर वो खेलते हैं तो उनको एडजस्ट करना चाहिए। और देखे दो विकेट के ऊपर खेल रहे हैं इस टीम में, आपके पास 10वें नंबर तक बैटिंग है, और इनको अब कैसे यूटिलाइज करना है। अब सारी जिम्मेदारी कप्तान पे आती है, मैनेजमेंट पे आती है, इससे अच्छी टीम नहीं मैं समझता पाकिस्तान की T20 की हो सकती है। जितने भी प्लेयर हैं कोई भी इनमें ये नहीं, आप कैसे यंगस्टर है या नया है, ये सारे मिच्योर प्लेयर है, क्योंकि ये PSL खेल खेल के, डोमेस्टिक खेल खेल के ना बिल्कुल पॉलिश हुए हुए हैं, और उनका कॉन्फिडेंस नज़र भी आया है। तो नॉर्मली सिचुएशन में अगर आप नया प्लेयर कराते हैं तो वो अंडर प्रेशर नजर आता है, तो यहाँ पे तो वो चीज़ है ही नहीं है। अब आपने देखना कि आप कैसे अप्लाई करना है इन सबको, ये आपको दो विकेट के ऊपर लेकर चलना है, या आपने बॉलिंग आपने एक बॉलर और बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि एक बॉलर को मार पड़ती पड़ती है। जैसे आमिर जमाल ने बॉलिंग की है, अगर एक ऑप्शन होती हमारे पास जमान की तो हमारे पास ये स्कोर 180-190 तक हो सकता था। तो अब ये कि अब मैनेजमेंट पे, कप्तान पे डिपेंड करता है कि कैसे यूटिलाइज किया जाए।